ओके, तो जैसा हम बात कर रहे थे, यदि हमारी ये दो फ्रैक्शन है 3/4 एंड 4/5, अगर हमें इन्हें ऐड करना हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे दोनों डिनोमिनेटर हैं 4 एंड 5, हम इनका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे. ठीक है, हमें पता है कि 4 एंड 5 का एलसीएम क्या है, 20, बिकॉज इनका कोई भी कॉमन और कोई कॉमन फैक्टर या फिर और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 20. अब हमें यदि 3/4 को 20 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 3 15, ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन. सेकेंड फ्रैक्शन था हमारा 4/5, जिसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया था, सो दैट वी कैन गेट 20 एज अ डिनोमिनेटर. यहाँ भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड हियर वी विल गेट 16. ठीक है, 16 प्लस 15 हो गया आपका 31/20, एंड यू कैन, दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड दीज फ्रैक्शंस. ठीक है, हमने ऐसा एक बार कर चुके हैं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन के लिए बताया है. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की नई एक्सरसाइज, जो है एक्सरसाइज 7.6. ठीक है, तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 2/3 एंड 1/7. चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन, आपके पास 40 सेकेंड्स हैं. ओके, 2/3 एंड 1/7, अगर हम इसका फ्रैक्शन कॉमन एलसीएम निकालेंगे कि 3 एंड 7 का एलसीएम क्या होता है, तो वो होगा हमारा 21. ठीक है, मैंने आपको एलसीएम निकालने की मेथड भी सिखाई थी लास्ट टू लास्ट सेशन में, इवन लास्ट सेशन में भी हमने इस बारे में बात की थी, राइट. तो अब आपका जो फ्रैक्शन है 2/3, ये आपका चेंज होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14/21. दिस इज़ योर फर्स्ट फ्रैक्शन. सेकेंड फ्रैक्शन वॉज 1/7, जो अब आपका हो जाएगा 3/21. वी आर सिंपली मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर ऑल्सो विद द सेम नंबर. ठीक है, तो अब आपका जो अभी तक क्वेश्चन था, इट वॉज 2/3 प्लस 1/7, विच नाउ विल बिकम 14/21 प्लस 3/21, विच इज़ इक्वल्स टू 17/21. दिस वुड बी योर आंसर. ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग, बी पार्ट इज सेइंग 3/10 प्लस 7/15. एलसीएम निकालिए, व्हाट वुड बी द एलसीएम फॉर दीज टू.
Have you calculated the LCM? The LCM least common multiple of 10 and 15 would be 30, right? चलिए 3 by जो 10 है हमारा ये हो जाएगा 30, right? And यहाँ पर 3 3s are 9. अब हमारा जो second है 17 by 15. यहाँ पर वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 टू ज़ार 30, सो 7 टू ज़ार 14. चलिए अब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 14 प्लस 9. क्या आंसर आया आपका? 23 बाई 30, राइट. चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन 1B. नाउ सॉल्व क्वेश्चन 1C. क्वेश्चन 1C इज सेइंग 4 बाई 9 प्लस 2 बाई 7. चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन, यू हैव 40 सेकेंड्स.